नमस्कार, मैं ईशा रिधिशील सेंट्रल स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा। आज मैं यहाँ आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हूँ जो हमारे देश के वीर सैनिकों के ऊपर है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे देश की कोई नाम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की। बस जिक्र हो शहीदों का, उसमें मेरा भी नाम आए, उसमें मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल था कौन, जब कोई पूछे ये पागल था कौन, तो क्रांतियों का चेला और इनकलाब का नाम लिख देना। और जो कुछ बचा हो शरीर में मेरे लहू, उसे निकालना और उस जमीन पे माता जी सलाम लिख देना, माता जी सलाम लिख देना। उसका ये सपना सच हुआ, अब वो कश्मीर जाता है, सीमा पर डटकर दुश्मनों से लड़ता है। कि चलेगी सांस जब तक ये उसे मंजर दिखाना है, चलेगी सांस जब तक ये उसे मंजर दिखाना है। अब तिरंगे को लहराना है या उसे लिपट कर आना है, अब तिरंगे को लहराना है या उसे लिपट कर आना है। वो कश्मीर जाता है, लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, उसे हार नहीं मानी और अंत में तिरंगे को लहराकर दे दी अपनी जान की कुर्बानी, दे दी अपनी जान की कुर्बानी। फिर से सीमा पर एक जवान शहीद हो गया, ना जाने कितने संवेदनाओं के बीज बो गया, ना जाने कितने संवेदनाओं के बीज बो गया। तिरंगे से लिपटा लाश जब उसके घर गई, तिरंगे से लिपटा लाश जब उसके घर गई, सिहर उठी हवा और मायूसी छा गई, सिहर उठी हवा और मायूसी छा गई। तिरंगे से लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया, तिरंगे से लिपटा खत उसकी माँ को दिख गया। मरता हुआ बेटा उस खत में लिख गया कि बलिदान को तुझे अब आंसू से नहीं धोना है, बलिदान को तुझे अब आंसू से नहीं धोना है, और तुझे कसम है माँ अब नहीं रोना है, तुझे कसम है माँ अब नहीं रोना है। कि न हिंदुओं से न मुसलमानों से, न हिंदुओं से न मुसलमानों से, आज इस देश को तकलीफ है इसी देश के गद्दारों से। जिन्हें हम समझ बैठे हैं हार अपना गला सजाने को, वहीं बन बैठे हैं नागनी को काट खाने को, वहीं बन बैठे हैं नागनी को काट खाने को। लो अब मैं तुमसे ये कहती हूँ, लो मैं तुमसे ये कहती हूँ कि तुमने 10-10 लाख दिए सैनिकों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए सैनिकों की विधवाओं को, माना हिम्मत लौटा दी है तुमने वीर माओं को। लो मैं तुम्हें 20 लाख देती हूँ और हिम्मत है तो मंत्री का बेटा जाए सरहद पे लड़ने को, हिम्मत है तो मंत्री का बेटा जाए सरहद पे लड़ने को। जय हिंद, जय भारत।